अगर आपको ये पता चल जाए कि डायबिटीज होता कैसे है, तो आप इसको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हो बिना किसी दवाई के। अरे सर क्या बात, ये बात है। दिन भर में आप अगर 10-15 बार कुछ ना कुछ खा रहे हो, हर बार इंसुलिन रिलीज हो रहा है। इतना सही? जब इंसुलिन बार बार जा रहा है ग्लूकोज को लेकर, 10-15 बार जा रहा है सेल्स के पास, तो वो इसको रेसिस्टेंस कर देते हैं। गलत। जिसकी वजह से इंसुलिन सेल में नहीं जा पाता। रॉन्ग। और वो आपके यहाँ पर पेट में चर्बी इकट्ठी कर देता है, फैट स्टोरेज का काम करता है इंसुलिन। दिन में 10-15 बार आप खा रहे हो, तो दिन भर में 2-3 बार खाओ बस, आप देखो कैसे। That's not true. डायबिटीज ऐसे काम नहीं करती, इंसुलिन ऐसे काम नहीं करता, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको मोटा नहीं करता, इंसुलिन शुगर को खून से सेल्स में डालने का काम करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो या आप ज्यादा इंसुलिन दे रहे हो, इंसुलिन अपना काम बहुत खूबी से कर रहा है, तब आप मोटे होते हैं, बिकॉज आपके शरीर में खून में एक्स्ट्रा शुगर जो है वो सेल्स में जानी चाहिए, और सेल्स की रिक्वायरमेंट से ज्यादा शुगर होगी तब वो फैट में तब्दील होगी या फैट में स्टोर होगी। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो मोटा नहीं होगा आदमी, खून में ही शुगर घूमती रहेगी और सेल्स को शुगर मिलेगी नहीं, सेल्स मसल को फैट को यूज करेंगे, कीटोन बॉडीज बनाएंगे, और डायबिटिक पेशेंट कीटोसिस में जाते हैं इस वजह से।